नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले के लिए सभी कर रहे हैं इंतजार। ईवीएम और वीवीपैट को रखा गया है कड़ी सुरक्षा में। लोकसभा चुनावों के बाद सबकी नजरें टिकी हैं 23 मई के नतीजों पर। हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने नकारा एग्जिट पोल के नतीजों को, कहा धैर्य रखकर 23 मई का करो इंतजार। जिस तरह से कांगड़ा संसदीय सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी जीतने वाली है रिकॉर्ड मतों से, कहा सांसद शांता कुमार ने।